नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, बहुत कुछ सीखने को जानने को मौका मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो भी कर सकते हैं, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है ओलेक्ट्रा गेंटेक। देखिए, ओलेक्ट्रा गेंटेक आप सभी जानते हैं एक ऐसे कंपनी है जिसका मार्केट कैप अभी भी 13,000 करोड़ है, और इस 13,000 करोड़ के होने के कारण कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। और लास्ट कुछ फ्यू डेज में स्मॉल कैप कंपनीज के ऊपर एक बिग प्रेशराइज देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि निफ्टी कंटिन्यूसली गिरते चले जा रहे हैं, निफ्टी सेंसेक्स में गिरावट का माहौल जारी है। तो उस कारण के वजह से जितने सारे मिड कैप एंड स्मॉल कैप टाइप कंपनी है उसका हालत खराब हो रहा है। तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, जब मार्केट बुल रन में होते हैं तो उस टाइम में सबसे ज्यादा अगर तेजी से कोई स्टॉक भागते रहते हैं वो है मिड कैप एंड स्मॉल कैप टाइप कंपनी। और उसी टाइम में अगर कोई भी कंपनीज अगर कंटिन्यूसली करेक्शन मोड में देखने को मिलेगा तो सोचिएगा उस टाइम मार्केट भी गिरा है, और वो कौन सा कंपनी गिरेगा? वो स्मॉल कैप एंड मिड कैप टाइप कंपनी। तो ओलेक्ट्रा गेंटेक के ऊपर क्या सिचुएशन है वो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, फाइनली यहाँ पे बहुत दिनों के बाद एक कफ हुई धन्य पैटर्न बना था और फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हुआ, और देखिए टारगेट के नजदीक जाकर ही यहाँ पर रिवर्स किया। तो देखिए, हमेशा होता क्या है, हमेशा आप जब एंट्री लेते हैं उसके बाद ही टारगेट हो जाएगा डायरेक्टली, ऐसे होता नहीं है, क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट के ऊपर सब कुछ चलते रहते हैं। आज निफ्टी नेगेटिव में है, सेंसेक्स नेगेटिव में है, जिसके चलते है स्मॉल कैप मिड कैप कंपनी का हालत खराब हो रहा है। पिछले दिनों में भी आपको वीडियो बनाकर शेयर किया था कि जिस तरीके से नीचे साइड में कंपनी आने का कोशिश कर रहे हैं, तो वो खुद कोशिश नहीं कर रहा है, कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ी नहीं है। एक्चुअली मार्केट गिरा है तो उस कारण के वजह से लोगों को सेंटीमेंट एक नेगेटिविटी क्रिएट हो जाता है। तो नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होने के कारण शेयर में एक सेल ऑफ देखने को मिल जाते हैं। देखिए, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आप उसी कंपनीज के ऊपर काम करिएगा जो कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, आप ध्यान से देखिएगा, इन्वेस्टर से ज़्यादा मतलब इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा पब्लिक के पास होल्डिंग है। और पब्लिक करता क्या है, जब भी मार्केट कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता है तो हर कोई पब्लिक, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक क्या करते हैं, माल बेचकर भाग जाते हैं। उसको लग रहा है कि कंपनी खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, शेयर मार्केट बंद हो जाएगा, तो इस तरीके से उसको लगता है। तो उसी कारण के वजह से लोग सेलअप करते हैं, पब्लिक सेलअप करते हैं, और उसके चलते मार्केट में एक बिग प्रेशराइज देखने को मिलता है। तो ओलेक्ट्रा गेंटेक उसी का एक नज़ारा आपको यहाँ पे देखने को मिला। हाँ, मैं तो ऑब्वियसली बुलिश हूँ, मेरा जो ट्रेड है वो ऑब्वियसली कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि जो ट्रेड बना दो तरीके से आप एक्चुअली ट्रेड बना। पहले देखिए, यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड बना कंटिन्यूसली 44% के आसपास, मैं इंतजार कर रहा था जब भी इस लेवल को टच करेगा तो मैं एंटी लूँगा, तो एक्चुअली एंटी हुआ ही नहीं। तो एंटी ना होने के कारण मैं इंतजार कर रहा था कि यहाँ पे कप तो बना और शोल्डर बने तभी एंटी लूँगा, तो एंटी तो यहाँ पे हो चुके हैं। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर तो गया, और एटलीस्ट 1% के आसपास, 1% भी नहीं है, तो इसका टारगेट अचीव होना था, उससे पहले करेक्शन हो गया। तो कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा इसका टारगेट पाने का, क्योंकि मार्केट अगर रिवर्सल करे तो फिर से इस कंपनी भी रिवर्सल करेगा, क्योंकि कंपनी में दम है, ऐसे नहीं कि कंपनी में दम नहीं है। अगर मैं इस कंपनी के बारे में चर्चा करूँ तो आप देखेंगे तो CWIP में कंपनी 15 करोड़ लगाया, मतलब इस बार कंपनी लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा पैसा लगा चुके हैं। तो यही कारण के वजह से कंपनी के ऊपर एक मोमेंटम जर्नी देखने को मिला। दूसरी बात, एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर किसी के पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिला, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। और तीसरी बात, कंपनीज के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी देखिए लगातार सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिले, एक्सपेंस मेंटेन करने के बाद नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रोथ होता देखने को मिले। तो जब इतने सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है तो कुछ कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ बड़ा धमाका तो होगा ही, और उसी तरीके से नजरिए यहाँ पे देखने को मिला। और लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का परसेंटेज भी देखेंगे तो 50% के ऊपर डिलीवरी का परसेंटेज आपको देखने को मिला, और ये सारे कारण के वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है SRF। देखिए, SRF के ऊपर बिग प्रेशराइज इसीलिए है क्योंकि मार्केट में केमिकल सेक्टर का जो डिमांड है वो लगातार एक गिरावट मतलब एक प्रेशराइज सिचुएशन देखने को मिला, और ये भी बताया जा रहा है कि 2025 से पहले केमिकल सेक्टर के रिकवरी होने का चांसेस नहीं है। ऐसे बात क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि अभी भी चाइना क्या कर रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट में खुद के जो केमिकल प्रोडक्ट है उसको सस्ते दामों में मतलब डिस्काउंट में बेच रहा है। तो सोचिए, अगर आप एक दुकान में जाते, दुकान में अगर आपने देखा कि प्रोडक्ट का दाम 100 रुपया है, वही प्रोडक्ट अगर मान के चले आपको ऑनलाइन मिल रहा है 80 रुपीज़ में, तो आप तो डायरेक्टली ऑनलाइन से ही खरीदारी करेंगे ना। तो इसका मतलब है कि सेम प्रोडक्ट अगर
₹100 का प्रोडक्ट मुझे 80 में मिले तो मुझे ₹20 का यहाँ पे 20% का मुझे डिस्काउंट मिल गया। तो यही कारण देखने को मिला केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर इस एक प्रेशराइज के मोमेंटम में। तो SRF के ऊपर मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँ तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मेरा जो रेंज का ट्रेड था पहले भी देखिए इस तरीके से कुछ रेंज बना था, उसका भी ट्रेड अचीव हुआ और फिर से यहाँ पे भी रेंज बना था, इस लेवल को टच किया, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर भी गए और रिट्रेसमेंट किया, इस लेवल को फिर से टच किया और यहाँ पे टारगेट को अचीव किया। तो टारगेट अचीव होने के बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होने का हायर चांसेस है और देखिए किस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हुआ। आपको क्या लग रहा है कि ये जो बड़ा बड़ा सा कैंडल आपको दिखने को मिला तो ये कैंडल मतलब ऐसे ही बन गया? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा सेल ऑफ हो रहा है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो लोग यहाँ पे बाई करके रखे थे वो इस जगह से सेल ऑफ करना स्टार्ट किए। तो हमेशा आपको रेंज के हिसाब से सपोर्ट और डिमांड जोन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका डिमांड जोन था और यहाँ पे इसका सॉरी यहाँ पे इसका सपोर्ट था और ऊपर इसका डिमांड था। तो डिमांड और सप्लाई जोन के बेसिस में कंपनी काम करते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे जिस तरीके से प्रेशराइज देखने को मिला तो इजी तरीके से इस लेवल को टच करेगा। अभी टच करने के बाद फिर से अगर रिवर्सल कोई ग्रीन कैंडल दिखे और उसका ब्रेकआउट दिखे तो मैं फिर से यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड करूंगा फिर से इस रेंज ट्रेड के लिए। तो आप इस कंपनी के ऊपर क्या राय रखे हैं मुझे जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि SRF के ऊपर मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा कंपनी है और कंपनी का खासियत पॉइंट ये है कि कंपनी का जो पी रेशियो के लिए बहुत सारे लोग चर्चा करते रहते हैं। करंट जो इसका पी रेशियो देखने को मिला 38 और इसका एवरेज पी रेशियो 3 साल में सॉरी 5 साल में कितना है 31। तो इसका मतलब पी रेशियो एक एवरेज लेवल के आसपास है और एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आपको एक मोमेंटम जर्नी एज ए फ्यूचर में भी देखने को मिल सकता है। तो जिस तरीके से कंपनी का चार्ट पैटर्न बना आप खुद ही देख लेना, जिस तरीके से प्रेशराइज बना है तो इजीली वो यहाँ पे 2118 इस लेवल तक आने का चांसेस रखेंगे। तो जब यहाँ पे आएगा तब मैं जरूर इसके ऊपर क्या डिसीजन लूंगा जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ मैं कोई इससे भी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो इसलिए मैं कोई टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दे नहीं सकता। तो आप अगर काम करना चाहते हैं तो आपके रिस्क के हिसाब से आपका जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि ब्लाइंडली मेरे बात सुनकर काम मत करिए। ये मेरे खुद के ओपिनियन है, मेरा खुद का ट्रेड है और इसी बेसिस में आपको काम करना है तो आप प्लीज़ एक बार रिसर्च करके करिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है L&T Mindtree। देखिए ये सब कुछ मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, सब कुछ पेशेंस का गेम है। देखिए जो लोग पेशेंस दिखाए थे इस L&T Mindtree के ऊपर तो यहाँ पे बिग कफ विथ 100 पैटर्न्स बना और फाइनली ब्रेकआउट हुआ। बहुत दिनों तक इंतजार करने के बाद मैंने आपको ये बताया कि टारगेट के नज़दीक में ही मैं प्रॉफिट बुकिंग करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रांगली क्या था, एक रेजिस्टेंस था, एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन था। अगर मैं प्रीवियस डेटा दिखा दूँ आप ध्यान दीजिएगा इस यहाँ पे मैंने क्यों प्रॉफिट बुकिंग किया, क्योंकि ये जो लेवल है ना, मैं इस लेवल को मार्किंग कर दूँ। देखिए ये जो लेवल है इस लेवल के बाद ही बिग क्रैश हो गया। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए क्या हुआ, ऊपर साइड से सेल ऑफ हुआ और इस जब भी सेल ऑफ हुआ यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस बन गया, तो उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने का कोशिश किया वो भी फेल हो गया था, फिर से एक बार कोशिश किया और उसके बाद बिग फेल हो गया। तो इसी लेवल को रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन कहा जाता है और मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि इस तरीके से जब भी कुछ रेंज बने तो उसको मार्किंग कर लेना और उस जगह पे अगर आपका टारगेट रहे तो उस जगह पे ही प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। तो मैंने यहाँ पे जब प्रॉफिट बुकिंग किया था मैंने आपके साथ शेयर भी किया और उसके बाद देखिए बिग क्रैश हो गया। तो हमेशा आपको सतर्क रहना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि अपने जो टारगेट रखे हैं टारगेट तक जब तक ना हो तब तक मैं होल्ड करूंगा। आप कर सकते हैं, यहाँ से भी रिवर्सल करके टारगेट देंगे मगर वो टाइम पीरियड आपको ज़्यादा चला जाएगा, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड लगा टारगेट होने में तो एटलीस्ट 133 डेज लगा। तो 133 डेज में कितना परसेंट रिटर्न मिला, 20% के आसपास। तो कहने का मतलब है आपको इस सारे चीज़ों को समझ कर काम करना पड़ेगा। अभी आप कहेंगे सर इस तरीके से गैप डाउन में क्यों ओपन हो गया, क्योंकि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट में कुछ करेक्शन मोमेंटम देखने को मिले। चलो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो सेल्स बढ़ता हुआ देखने को मिले, एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, मगर कंपनी के जो प्रीवियस क्वार्टर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था उस मार्जिन को कंपनी बीट नहीं कर पाया। इसको कहा जाता है एस्टिमेट मिसिंग कंपनी कर चुके हैं, जिसके चलते शेयर में एक प्रेशराइज देखने को मिले। अभी देखें नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा एक लेवल देखने को मिले और उस बेसिस में कंपनी का आगे बढ़ने के भी चांसेस रहेगा। तो एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली बुलिश हूँ,
क्योंकि एलटीआई के साथ माइंटी का जब मार्च हुआ, तब एक डिस्कशन किया गया था कि दोनों कंपनी मार्च होने के बाद इसका ग्रोथ होने का जो चांसेस है वो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों मार्च होने के बाद उसका ग्रोथ ज़्यादा होना चाहिए था, मगर उल्टा हो गया, इस बार ग्रोथ कम हो गया। और आज आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक का हालत क्या है, एक बार जाकर चार्ट पैटर्न देख लेना। लास्ट 3.5 मंथ एचडीएफसी में कुछ भी ग्रोथ नहीं हुआ, कुछ भी रिटर्न नहीं दिया, फिर भी उस कंपनी के ऊपर हर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और इस कंपनी के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा कि आप इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं तो इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशन लगातार जब भी करेक्शन हो रहा है तब भी इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली बाइंग करते चले जा रहे हैं, इसलिए वॉल्यूम भी अच्छा खासा देखने को मिले। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है ग्रोइंगटन वेंचर्स लिमिटेड, ग्रोइंगटन वेंचर्स इंडिया लिमिटेड। तो एक छोटा सा कंपनी है, करीबन 300 करोड़ के आसपास, और एक कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी है। कंपनी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो है आप देख सकते हैं स्प्लिट का। तो कंपनी हर एक के बदले आपको 10 शेयर स्प्लिट के हिसाब से देने वाला है, तो जो लोग स्प्लिट के शौकीन है तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। और वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ एक लाइक करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।